पारी और ईद मनाई जाती है आज, मुझे समझा। आज टेस्ट जिस तरीके से नौजवान उलमा हमारे बुजुर्ग माँ बहने रस्ते पे उतर आई थी, मुझे मेरे दिल में बहुत ज्यादा बोझ आ रहा, मेरे दिल मेरे आंख में आंसू आ गए थे कि मैं इतना तकदीर वाला हूं कि बिना मांगे ये प्यार मुझे मिलते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और ऐसा प्यार आपका हमेशा चाहिए। मैं कोई राजनीतिक भाषा नहीं करूंगा, मेरे लिए जो प्यार आपके दिल में है वो आवाम का प्यार है। और ये सब मेरे दाएं बाएं खड़े हमारे नगर सेवक, हमारा संगठन और उस संगठन के मुखिया सेनापति जनरल श्री शमीम खान, यूथ का जनरल श्री शाहरुख पठान और पूरी पार्टी, पूरा पार्टी का पूरा परिवार, बहुत कुछ आजकल बोलने जा रहे हैं लोग मेरे बारे में, कर्मी मेरे बारे में बोले, मुझे हंसी आती है जब मैं उनको बातें सुनता हूं। कल किसी एक औरत ने बोला, क्या क्या बोला, कुछ ऐसा कुछ बोला, जरा संभाल के रहो हमसे, मालूम नहीं क्या बोला वो, हमसे लगो मत हम लगा देंगे। अभी एक बाशुरी मुझे समझ नहीं गया कालूगत के मुंह में, हमसे लगो मत हम लगा देंगे, ये क्या भाषा है। और वो भी इसको मैंने 15 साल से मारा, शादी ब्याह में रोकड़ दी, मैं बोलना नहीं चाहता हूं कैसा संभाला है। शमीम खान सपोर्ट नहीं, वो सब अल्लाह माफ करे, मैं किसकी जो हो गया हो गया, जो गए गए, उनको याद रखना मेरा काम नहीं है। एक बार गए गए कतर बड़ा बड़ा ना, जब तक जुड़े भागेंगे नहीं तब तक नए कैसे आएंगे। अलमास में हमको किसी ना किसी को चुपके लाना है, तो जगह खाली हो गई, अभी इधर दो जगह खाली हो गई, कोई ना कोई नया आएगा हम चुपके लाएंगे। और मुझे यकीन है कि इनमें कोई अपने ताकत पे चुपके नहीं आते थे, जितने हमारी झोली फैलाता था वोट गिरते थे, बीजेपी को कभी वोट देंगे, उसके सहयोगी जो है अजीत पवार जो सबसे बड़ा गद्दार है, जो चाचा मरने की राह देख रहा है, किसी बुजुर्ग की मौत का हम इंतजार करते हैं, बच्चों लोग बचाओ, तुम्हारे दादा से तुम्हारे अब्बा की लड़ाई हुई तो तुम किसके साथ जाओगे, दादा के साथ। दादा ये देखो बच्चे के मुंह में क्या आया, दादा के साथ। मैं जानता हूं कि दादा से लगाव रखते हैं क्योंकि दादा ने घर को सिखाया होता है। अरे जिस बच्चे को तुमने हाथ पकड़ के चलाना सिखाया वो तुमको दरवाजे के बाहर निकालता है तो कितने बड़े दुख की बात है। और ये सब गद्दार उनके ही चले हैं जो गद्दारी का बादशाह निकला, तो मैं उनके ऊपर ज्यादा कुछ बात नहीं करता हूं। अभी नए नए सब्जेक्ट निकलेंगे अपने, हमने डेवलपमेंट में अच्छी खासी की है, वो चुनाव में बात करेंगे। ये संविधान खत्म करना चाहते थे, ये बोलते कि नहीं हम नहीं करने वाले थे। मैं पूछना चाहता हूं कि आसाम में हम मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत को खत्म कर देंगे, ऐसा अमित शाह ने चीजें क्यों बोला था। मैं बीजेपी के उन दलालों से पूछना चाहता हूं कि ये क्यों बोला था।
संविधान में बदलाव अगर आप चाहते नहीं थे तो संविधान की मूलभूत अधिकारों में तुम्हें धर्म का स्वातंत्र दिया है, और धर्म का स्वातंत्र मतलब तुम्हारे हर धर्म के कानून जो है आप पाल सकते हो। तो उसमें का ही एक है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत का कानून। अब शरीयत का कानून अगर तुमको निकालना होगा तो तुमको पूरा संविधान बदलना होगा। अब क्या दूर बात कर रहे थे कि हम संविधान नहीं बनाने वाले थे, संविधान बनाने के लिए ही तुमने नारा दिया था अब की बार 400 पार। सबसे पहले समझ में आया ये बात अगर किसी के समझ में आई होगी तो हमारे दलित भाइयों के समझ में आई कि अपनी तो लग गई, अपने को समाज में बैठने की अधिकार मिल रहा है, ये संविधान बदल देंगे तो अपने को फिर से गांव से बाहर कर देंगे। उसके बाद ओबीसी एससी एसटी मुस्लिम जो इस देश में 80% है, हर एक को समझ में आया कि ये अपने जिंदगी से खेल हो रहा है। क्या चल रहा है वो उत्तर प्रदेश में चुन चुन के घरों पर रोने बुलाए जा रहे हैं। अरे दूर कहे को यार, ये हमारे मीना भाईंदर में क्या हुआ, किसके घर तोड़े गए, किसके ऊपर जेसीबी किसके घर के ऊपर लगाया, उत्तर प्रदेश बन जाओ, इधर देखो किसने आके कहा ये हजीब मलंग दरगाह को शहीद कर देंगे, किसने कहा। ये कटवे हैं इनको इधर से भगा देना चाहिए, ये कौन बोला, राजा, राजा बोला था, राजा उसको आने क्यों देते हो इधर। जब तुमको मालूम है वो जहर फेंकता है मुंह से तो तुम आने क्यों देते हो, क्योंकि तुम लोग मुसलमान शांत रहते हो आजकल, ये अच्छी बात है, अल्लाह ने तुम्हें बहुत सीधा रास्ता दिखा दिया, सबर करो, वो कुछ भी बोले हम कुछ नहीं बोलेंगे, वो चाहते हैं कि हम जाएंगे, हम कहीं पे नहीं जाएंगे, हम अल्लाह को याद करेंगे। और इस गणतंत्र के प्रक्रिया में सबसे बड़ी बात है वोट। देखो जब से बीजेपी की संख्या घटी है तब से आपको इंडिया का आवाज लोकसभा में मजबूत दिखाई दे रहा है। लोकसभा देखते हो कभी, ये देखो ये हमारा खासदार है, ये आजकल चिल्लाते हैं तो दोनों हमारे बॉस जो है इंडिया के मोदी जी और अमित शाह में है, पहले जैसे दादागिरी हम नहीं चलते। इसकी वजह है इस देश के सेक्युलर आवाम ने जो सेक्युलरिज्म चाहती है उन्होंने उनके खिलाफ होने वोट देने का निर्णय लिया और उनको 303 से 340 पे लेके आए, यानी 63-240 पे लेके आए, यानी 63 सीट कम हो। अब महाराष्ट्र की असेंबली होगी, महाराष्ट्र में तो क्या चलता है आपको मालूम है, किसी को भी उठाओ अंदर डाल दो, किसी को भी उठाओ अंदर डाल दो, मेरे जैसों को नहीं छोड़ता है तो छोड़ते हैं, तो आपके जैसों को क्या छोड़ेंगे। और इसलिए जिसका भी वोटिंग कार्ड नहीं बना है, जिसका भी वोटिंग में नाम नहीं है, जल्दी आज से शुरू हो जाओ और 10 दिन है अपने पास, ये फर्ज है, अपनी सरकार चुनना ये अल्लाह की तरफ से फर्ज है, जवाब देना पड़ेगा कि जब तुमको वोटिंग का अधिकार मिला तब तुमको तुमने फरका फिरका परिष्ट को क्यों नहीं हराया, इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर हम सत्ता में होते तो गजापुर की मस्जिद नहीं गिराई जाती, गजापुर में घर नहीं लूटे जाते, हिंदू हो या मुसलमान किसी को मारना किसी का घर लूटना ये गैर कानूनी है, और शासन जो यहां बैठी है संविधान के अधिकार से उसने धर्म न देखते हुए उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए।
लोगों ने जाके बताया था कि ये कुछ होने वाला है, ये कुछ होने वाला है, ये कुछ होने वाला है। और ऐसा नहीं है कि वहां मुसलमान रहते हैं, 80% हिंदू होते हुए भी वहां पे दंगा करवाया गया। ये दंगा करवाया गया ये शासन का आदेश था, क्योंकि पुलिस की कुछ भी कार्रवाई यहां पर नहीं। दरवाजा तोड़ा गया विशालगढ़ का। मैं इसके ऊपर बात करता हूं, इसके लिए मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। जान लेने की देने की जात अल्लाह की है, जान लेने की जात भी अल्लाह की है। मैं ऐसे इन लोगों से डरता नहीं हूं। और रही बात मेरे ऊपर लालचन उठाने की कोशिश मत करो, ऐसे बहुत आके चले गए, बहुत आके चले गए। जो लड़ाई मैं लड़ा हूं 30 साल, मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं मानता हूं, नहीं मानता हूं ये महाराष्ट्र में कोई लड़ा है। हम 5-10 लोग ही है जो महाराष्ट्र में ये भाषा बोलते हैं। भीमा कोरेगांव जब दलितों के ऊपर हमला हुआ, किसने आवाज उठाई? वो शस्त्रीय था। ये जो कावड़ यात्रा निकल रही है और उसमें जो दुकानें तोड़ी जा रही है, ये क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश में हर कावड़ यात्रा के जो ठेले लगते हैं उसके ऊपर नाम लिखो कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया। इसकी वजह क्या थी? अगर नाम मोहम्मद है तो इसके दुकान से कुछ मत खरीदो, अगर नाम अगर कोई दूसरा नाम है तो ये इस देश में नहीं चलेगा। ये देश में राम रही है कि रहे हैं सालों से, हम कसम खाएंगे कि हम राम और रहीम एक होते ही रहेंगे। हाथ उठाते बोलो राम रहीम एक हो गए तो ही ये देश अमन और शांति से आगे बढ़ेगा। मैं इसकी भी बात रखता हूँ और मुझे दिल्ली भागना है। मेरा नाइट है तो शमीम भाई ने मेरा पैंट पकड़ के रखा है, अभी कैसे भी उनसे छुड़वा के भाग जाता हूँ। खुदा हाफिज। और अपनी निशानी क्या है? दुतारी। सब लोग मजा, अपनी निशानी क्या है? ठीक है, अभी अभी बताओ तो अरे चिल्ला के बताओ ना, चिल्ला के बताओ। तो क्या बनेगा मालूम? सिक्का मारो तुतारी पे और लात मारो गद्दारी पे। तब सिक्का मारो तुतारी पे, लात मारो गद्दारी पे, सिक्का मारो तुतारी पे, लात मारो गद्दारी पे। ले भाई जला देंगे, जला देंगे, आग लगा देंगे।